एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसे सभी पक्षी चुनमुन नाम से बुलाते थे। उसने दो अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों में से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतजार था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम माँ कहकर बोलोगे तो मेरे कानों को सुकून मिलेगा। एक कवि चुनमुन की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो चुनमुन के पास पहुंच गई। बहन, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वो दोनों बाहर निकलकर आपके साथ खेलेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो या कुछ लाना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके अंडों की रक्षा करूंगी। कवि बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी बात कही है। मुझे एक अच्छा साथ और सहारा मिल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद चुनमुन खाने पीने की तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कवि को इशारा करके अपने पास बुला लिया। कवि बोली, चुनमुन बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, जंगल में घूम घूम कर खाओ और फिर आराम से आओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। चुनमुन वहां से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कवि उसके घोंसले में बैठ गई। कवि ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और चुनमुन चिड़िया का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद चुनमुन वहां आ गई और उसने कवि को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने अपने घोंसले पर नज़र डाली तो वो चौंक गई। वहां दो अंडों की जगह तीन अंडे दिखाई दिए। चुनमुन बोली, अरे एक अंडा बढ़ कैसे गया? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन चुनमुन के अंडे में से एक बच्चा बाहर निकला। वो काले रंग का था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना होगा। अब दूसरे बच्चे भी आने वाले हैं। इतने में दूसरे अंडे में से एक चिड़िया बाहर निकली। आओ मेरी प्यारी गुड़िया, खेलो कूदो और खूब मस्ती करो। इसके बाद फिर से एक बच्चा बाहर आया। चुनमुन अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। बीच बीच में आकर कवि भी बच्चों की देखभाल करती थी। वह तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे थे। उसमें से एक बच्चा जो कौवा था, कौवे की तरह दिखने लगा। चुनमुन उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अपने दूसरे बच्चों से करती थी। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। इतने प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। उस सलोने की आवाज़ उसकी असली माँ कवि के कानों में भी पहुँच जाती थी। कवि अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कवि चुनमुन के घोंसले में पहुँची और सलोने से प्यार करने लगी। ये देखकर वो गुड़िया सोचने लगी और कवि से पूछ बैठी, चाची एक बात बताइए कि आप सलोने से ही ज़्यादा प्यार क्यों करती हैं? कवि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में चुनमुन वहाँ आ गई। चुनमुन ने कहा, कवि बहन, मैं जानती हूँ कि सलोना आपका ही बच्चा है। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है। आपका इस पर अधिकार है। आप इसे ले जा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तीसरा अंडा आपका ही था।
हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी और आलसी भी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला ही नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। कवि बहन, तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सलोना बच्चा, यही तुम्हारी असली माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। इनके साथ जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाऊंगा। मेरी असली माँ तुम ही हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगा। हाँ कवि बहन, यही पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कवि ने आलस को त्याग कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। चुनमुन चिड़िया और उसके बच्चों ने भी उसकी मदद की। चुनमुन सभी बच्चों पर प्यार और ममता लुटा रही थी। कवि चुनमुन चिड़िया की ममता और उपकार को कभी नहीं भूल पाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।